गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू इन दिस पार्ट ऑफ कार्बोक्सलिक एसिडिन्यू अबाउट द प्रिशन तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि हमारे जो ये मेथड होंगे नेक्स्ट मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस और एस्टर सिंथेसिस तो उससे पहले हमें उन कंपाउंडों के बारे में उस रिलेटेड कंपाउंडों के बारे में उनके एसिडिक नेचर का देखना जरूरी है कि किस तरह से उन कंपाउंडों को यूज करते हुए कर तो बना बना और भी कंपाउंड आप बना सकते हैं तो ये जो नेक्स्ट हमारे मेथड होंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दैट इज द मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस एंड द एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बड़े बेसिक से चलते हैं कि हमारे जो एल्डिहाइड और किटोन होते हैं

और आफ्टर तो गेन नहीं करेगी तो जो आपका कंटेनर है उसके अंदर फ्री फॉर्म में एच पॉजिटिव एन मिलते रहेंगे और जितने ज्यादा कंटेनर के अंदर एच पॉजिटिव एन होंगे फ्री फॉर्म में वो सोल्यूशन उतना ही ज्यादा क्या होगा एसिडिक तो क्यों है ये स्टेबल तो अब हम वो देखना चाहते हैं तो आप देखें बड़े ध्यान से कि जो आपके एल डी हेड किटोन होते हैं उनके अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन लगा होता है अगर वो एच पॉजिटिव की फॉर्म में लॉस हो जाए फॉर एग्जाम्पल उसको इजिली लॉस करवाने के लिए हमने देखो बेस भी डाल दिया ओ सी टू एच फाइव नेगेटिव तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए एच को तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स कार्बन की तरफ चले गए देखो सी ओर एच के बीच के जो बॉन्ड थे और हमने ये शो किया कि देखो ये एच है ना एच पॉजिटिव की फॉर्म में देखो लॉस हो जाएगा लॉस हो जाएगा तो क्या स्पीसी बनी कार्बन बन गए ये जो कार्बन बने ये क्यों है स्टेबल ये इसलिए है स्टेबल क्योंकि इसमें रेजोनेंस की कंडीशन पूरी हो गई क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज है वो डबल बोन्ड के साथ ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है तो मीन द नेगेटिव चार्ज गेट स्टेबलाइज नेगेटिव चार्ज बोलो क्या हो जाएगा गेट देखो ये नेगेटिव चार्ज आगे आ जाएगा देखो यहाँ पे

ऑक्सीजन एटम सिर्फ एक ऑक्सीजन एटम के ऊपर ही ही होगा देखो एक ही है ऑफ़ द लेकिन अगर आप यही चीज अगर आप देखना चाहें देखो फर्दर देखो मैंने ये रेजुनेंस फर्दर हमने यहाँ पे शो कर दी है देखो अब नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ गया आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर आ गया देखो जो पहले कार्बन के ऊपर था तो हो गया ना रेजोनेंस और हो गया ना का डिस्फर्सल। ऐसे अगर हम देखें एसी एसी अंदर, तो, तो कैसे इसलिए रखा गया कि देखो ये इतना जो पार्ट है ना देखो मैं आपको साइड में देखो एक बार लिख के दिखा देता हूँ देखो ये था आपका एसिटोन देखो ऐसे सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड देखो सी एस थ्री आप ध्यान से देखना हमनेटोन का देखो यहाँ से कैसिटाया देखो पे एसिटो ग्रुप लगा दिया एसिटो कौन सा होता है, एसीटो होता है, -C एसीटो है, एसीटो है. तो ऐसा आपने देखा इसके अंदर इसलिए हम इसको एसिटाइल एसिटोन कहते हैं तो इसके अंदर भी तो एल्फा हाइड्रोजन है देखो कार्बन ग्रुप से अगला कौन होता है बोलो ये एल्फा पोजिशन होती है इधर भी है देखो वो तो एल्फा इसमें तो इधर भी है देखो एल्फा लेकिन ये बीच वाला एल्फा वो है आपका जिसका जिसके ऊपर एच है और इट इज इजेड बाय टू टू कार्बोनिल ग्रुप इस अल्फा वाले हाइड्रोजन के इस अल्फा वाले कार्बन के दोनों साइड में कार्बोनिल ग्रुप है तो उससे क्या हो जाएगा अब देखते हैं देखो आगे क्या हो जाएगा अगर हम बेस डाल दे, और उसी टाइप से ये बेस जो अल्फा हाइड्रोजन है किसको देगा जो ज्यादा रिएक्टिव होगा ज्यादा रिएक्टिव कौन है ये ये वो रिएक्टिव आपके हाइड्रोजन है विच इज राउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप और ऐसे ग्रुप को आप कहते हैं सीएसटी ग्रुप को एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आगे हम डेफिनेशन देखेंगे तो एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप कौन होता है इलेक्ट्रॉन so, H को दे दे तो देखो कार्बन की तरफ दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो कार्बेनाइन बन जाएगा अब ये जो कार्बेनाइन यहाँ पे बना है ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज का जो डिस्पर्सल होगा यहाँ पे बोलो किधर हो जाएगा ओवर द

ये get stabilized हो 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 दो दो की तरफ इसका dispersal हो सकता है इसलिए जो देखो एलडी हेड केटन में कार्बनइन टू कहाँ पे बनी है बोलो आपके एसिटा के अंदर बोलो कौन ज्यादा स्टेबल आपको दिख रही है वो स्टेबल ज्यादा होगी जिसके अंदर डिस्पर्सल हो गया हो नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल बोलो ज्यादा हो रहा है स्ट्रक्चर नंबर टू के अंदर हो रहा है क्योंकि उसके अंदर जो कार्बन आयन है जिस कार्बन के ऊपर नेगेटिव नेगेटिव चार्ज चार्ज है वो उस चार्ज का दो दो कार्बन ग्रुप की तरफ हो सकता है क्लियर हो गया तो इस मीन स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हुआ आउट ऑफ टू स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर नंबर नंबर इज मोर स्टेबल देन द और इसलिए एसिडिटी ऑर्डर बोलो कौन होगा कौन ज्यादा एसिडिक होगा आपके जो एसिटाइल एसिटोन है इसके अंदर जो एल्फाइड्रोजन होंगे दे आर मोर एसिडिक देन द एल्फाइड्रोजन एटम इन एल डी एड एंड किटोनटिव क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इसके बाद नेक्स्ट हम देखना चाहेंगे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हम कह किसे रहे थे तो जब मिथाइलिन ग्रुप इज या सराउंडेड बाय टू कार्बोनिल ग्रुप ग्रुप आर कॉल्ड द एक्टिव मिथाइलिन तो ये जो हमने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप वर्ड अभी यूज किया है ये हमारे जो मेन टॉपिक है आज का उसके अंदर अभी हम देख पाएंगे इस चीज को देखो नेक्स्ट आ जाता है एसिडिक नेचर इन किन के अंदर जो हमारा मेन कंपाउंड आ गया मेलोनिकेस्टर तो मेलोनिकेस्टर देखो आखिर होता कौन है Ester, देखो, आपका वो हो चाहे जो जो दोनों दोनों वो एसिटो एसिटिक एस्टर हो दोनों के अंदर अगर हम सबसे पहले देखें देखो एसिटो एसिटिक एस्टर के अंदर तो देखो उसके अंदर क्या है क्यों कह रहे हैं हम इसको एसिटो एसिटिक एस्टर इसलिए हम कह रहे हैं इसको एसिटो एसिटिक एस्टर के इसके अंदर देखो

और ये एसिटिक एसिड वाला पार्ट था ही और ये आगे एस्टर भी हमने बना दिया तो ये आपके सामने है।, तो एस्टर है चाहे वो मेलोनिक और सी एस टू के दोनों साइड में अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा दें तो ये मेलोनिक एस्टर मेलोनिक एसिड होता है अगर इस एच का हम आर लगा दें यहाँ पे तो अभी एस्टर बन गए तो उसे हम मेलोनिक एस्टर कह देंगे क्लियर हो गया तो अब हम देखते हैं कि जो एसिटो एस्टिक एस्टर है इसके अंदर देखो क्या है इसकी स्ट्रक्चर में ऐसा इसके अंदर भी आपने देखा देखो ये जो कार्बोनिक ग्रुप से जो गला है इसका आप अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं अल्फा कार्बन है अल्फा के ऊपर एच लगे हुए हैं अल्फाफ हाइड्रोजन है और ये जो जोलिन ग्रुप है इट इज ऑल्सो सराउंडेड बाई टू टू कार्बोनिक ग्रुप लाइक इन एसिटाइल एसिटोन जो भी आपने पीछे देखा था तो ये बेस है ये क्या करेगा बोलो अपने इलेक्ट्रॉन एच को दे दे तो आपके क्या बन जाएगा यहाँ पे देखो उसी टाइप से कार्बन एन बन जाएगा और ये जो चार्ज का बोलो, क्या हो गया? किसके हुआ? दो, -दो ग्रुप के ऊपर दोनों की तरफ आपके इधर भी हो सकता है और देखो जैसे मैंने पीछे बताया था एसिटॉल एसिटोल में देखो ये इधर भी डिस्पर्सल हो जाएगा रेजोनेंस कंडीशन देखो पूरी है तो इसलिए जो ये ये आपका स्टेबलाइज हो जाएगा

कि अगर हम इनको लॉस करवा की फॉर्म के अंदर जल्दी लॉस करवाना है तो हम बेस डाल देते हैं कार्बेनाइन बन गया जो कार्बेनाइन है फिर इसके अंदर फिर से रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखो हो जाएगी नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्सल हो जाएगा

तो आपने इनके अंदर जो मेन चीज अभी तक हमने देखी जो आपको बताया वो क्या है कि इन सारे कंपाउंडों के अंदर आपके कार्बेनैन जनरेशन होती है कार्बेनैन की बोलो क्या होती है जनरेशन इन प्रेजेंस ऑफ द बेस आप ध्यान से देख ले इसी को अब हम यूज करने वाले हैं मेलोनिक एस्टर हुआ एसिटो एसिटिक एस्टर हुआ जब हम बेस डालते हैं जैसे हमने डाला सोडियम इथोक्साइड मीन ओ नेगेटिव सी टू एच फाइव जो दिखाया जब हम ये डालते हैं तो जो आपका मोर रिएक्टिव एक्टिव मिथैली जो ग्रुप है उसका एक एच निकल जाता है वहां पे बल्कि दो दो एच होते हैं दो दो एच आप देखो दिख रहे हैं देखो मिथाइलिन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि सी एस टू ग्रुप है दो एच है तो किसी एक एच के ऊपर अटैक किया जा सकता है कार्बे का काम करेगा देखो न्यूक्लियो कौन होता है काम कर रहा है किसी भी रिएक्शन के अंदर तुम्हें जो मेलोनिक एस्टर होते हैं इनके अंदर जो कार्बेनाइन बनता है इटेटेज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो तो देखो अब हम नेक्स्ट देखने वाले एप्लीकेशन है यही इसकी इनोलेट एनायन कहेंगे अब हम तो इसकी मेन एप्लीकेशन क्या है का कार्बन का, के ऊपर आपके बोलो क्या न्यूक्लियोफाइल का, का काम करते हैं जो इनोलेट एनायन जो है ये आपके डाई कार्बोनिल कंपाउंड इनको क्यों कहते हैं क्योंकि इसके अंदर दो दो कार्बोनिल ग्रुप है चाहे मेलोनिक एसिड एस्टर हुआ चाहे एसिटो एसिटिक एस्टर हुआ और ये जब इनके अंदर हम स्ट्रॉन्ग बेस डालते हैं तो आपके कार्बेन की जनरेशन हो जाती है और जो ये इनोलेट आयन आपके सामने बन गए जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या करेगा ये एक स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल का काम का का करता है किस का काम करता है बोलो स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल का आप आगे रिएक्शन देख पाएंगे और ये कहाँ पे करेगा टेक्नोलॉजी एलकाइल हेलाइड ले लिया तो आप जानते हैं एलकाइल हेलाइड में आर के ऊपर क्या होगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और सीएल के ऊपर क्या होगा स्लाइट देखो नेगेटिव चार्ज तो ये कार्बे बना देखो ये अटैक कर देगा ऐसे आर के ऊपर और क्या निकल जाएगा बोलो यहाँ से सी एल नेगेटिव तो ये कार ये जो कार्बन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ऐसे ही आपके दूसरा यूज अटैक कर सकता है एस्टर वाला या आप एसिड ले, ले ले देखो इसमें भी क्या होगा ये जो कार्बन है जिसके ऊपर देखो नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर अटैक कर देगा कार्बन ग्रुप वाले देखो कार्बन के ऊपर उसी टाइप से तो मैं ये रिएक्शन दिखा रहे ना आपके बोलो कौन सी रिएक्शन दिखा रहे हैं ये आपके एसेंट टू रिएक्शन आपके ये अटैक कर रहे हैं यहाँ पे एस एन टू क्यों न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है क्योंकि जब ये अटैक करेगा पीछे से आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो नेगेटिव निकल जाएगा तो इस टाइप से ये आपकी SN2 दिखाते और इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड बन जाते हैं वो कंपाउंड काफी तरह के बन सकते हैं जो अभी हम आगे देख पाएंगे कि वो आपको मोनो एलकाइल एसिटिक एसिड भी बन सकते हैं डाई एलकाइल एसिटिक एसिड भी बन सकते हैं एंड सो ऑन ये जितने भी नाम हम आपको बता रहे हैं इनमें से आप कोई भी प्रिपेयर कर सकते हैं एनी वन ऑफ देम कैन बी प्रिपेयर हमें फिलहाल कार्बोक्सिलिक एसिड की ही प्रिपरेशन देखनी है तो हम देखो अभी आपको उन चीजों को प्रिपेयर करके दिखाएंगे दिस टू आपके कार्बन एन स्ट्रक्चर जो आपके सामने है तो नेक्स्ट अब हमारी मेन हेडिंग आ जाती है मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस देखो नाम से ऐसे लगता है कि आपको ये महसूस हो रहा होगा जैसे हम मेलोनिक एस्टर को बनाएंगे नो

जिसके अंदर एक एक्टिव मिथैली ग्रुप हमने दिखा दिया देखो ये सी एच टू हमने दिखाया सी के ऊपर जो दो एच लगाए हैं और इस कार्बन वो कार्बन ऊपर दो एच है, है बोलो COOR, मतलब एस्टर ग्रुप है अगर सीओ आर ना होके वहां पे सीओओ एच होता तो मेलोनिक एसिड था वो और आर लगा दिया तो मेलोनिक एस्टर बन गया ठीक हो गया तो ये जो सी एच टू ग्रुप है ये आपका एक्टिव मिथैली ग्रुप है बोलो ये जो सी एच टू है यहाँ पे ये बोलो कैसा होता है ये एक्टिव एक्टिव पोजिशन है बोलो ये एक्टिव बोलो, क्यों है? two -two तो इसलिए हम इसको ग्रुप कहते हैं तो बिकॉज़ आपका है यहां पे. जो है देखो, जो हमने लगा रखेड बाई टू टू कार्बोनिल ग्रुप अब हमने देखो जैसे बताया था हमने स्ट्रॉन्ग बेस डाला इसके अंदर बेस कौन होता है जो अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे एच को दे, H को दे. H को देखो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो H अपने भी यहां से निकल जाएगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट होंगे सीओर एच बॉन्ड के ये कार्बन की तरफ देखो ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पे तो नेक्स्ट स्टेप में क्या बनेगा देखो बनेगाइन बन गया आपका जो कार्बनइन बन गया किस चीज का काम कर रहा है ये कार्बनइन जो बन गया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल का काम कर रहा है बोलो ये जो कार्बनइन यहाँ पे बन गया बोलो ये किस चीज का काम करेगा हेयर दैट कार्बनइन दस फॉर्मड एक्ट एज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो ये स्ट्रोंग न्यूक्लियो का, का काम करेगा तो अब ये कहाँ पे अटैक करेगा एक ऐसी चीज पे अटैक करेगा जिसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो

सीओ आर ग्रुप बने हम चाहते रिएक्शन यहीं पे रुक जाए तो अगर हम इसकी कर दें क्या कर दे बोलो हाइडोलिस तो एस्टर की करेंगे तो क्या बनेगा आपके पास वो सीओ आर ग्रुप सीओ एच में कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में और आपको ब्लैंक रूल में सिखाया गया था कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा सीओ एच ग्रुप हो और आप आप उसको हीट कर दें सिंपली बोलो क्या कर दे आप उसको सिंपली हीट कर दें तो क्या होगा आपके जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए माइनस आर इफेक्ट का काम कर रहा है बोलो किस चीज का माइनस आई इफेक्ट का भी काम कर रहा है तो इजिली सीओ टू गैस लॉस हो जाए किसी भी एक के अंदर से देखो तो मान लीजिए इसके अंदर से हमने क्या लॉस करती हुई दिखा दी मान लीजिए सीओ टू गैस लॉस हो गई तो क्या बन गए एसिड देखो आपको बन बन गए गए तो क्या मोनो एलकाइल कार्बोक्सिलिक एसिड तो आपने क्या देखा कि मेलोनिक एस्टर की सहायता से आपने मोनो एल्इल कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रिपेयर कर लिया एग्जाम में जो भी आए आपके आर की वैल्यू जो कहे मान लीजिए वो कह दे सीएस थ्री पुट कर दो तो सी एस थ्री पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा थ्री कार्बन वाला प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा एंड सो ऑन आप जो चाहे, आर की वैल्यू चेंज करते हैं और उसी एसिड को प्रिपेयर कर सकते हैं मेलोनिक एस्टर की सहायता से सो दैट प्रोसेस इज मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस अब जैसे अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आपका ये इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनी थी आपकी जिसमें ये दो सीओ आर देखो ये ग्रुप लगे हुए थे

आपके फिर कार्बे बन गया देखो हम इसके ऊपर फिर आर ग्रुप लगा सकते हैं या आपके सीओ आर एस आईल ग्रुप लगाना चाहें तो आर आप आर सी एल की वजह डाल दें जो भी आप प्रोडक्ट बनाना चाहें आप वही चीज डालें क्योंकि ये काम करेगा यहाँ पे स्ट्रोंग न्यूक्लियोफाइल का जैसे हमने ऊपर भी लिखा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल तो एक कार्बेनाइन फिर जनरेट हो गया तो बोलो ये किस चीज का काम करेगा दोबारा यहाँ से इट एक्ट एज द स्ट्रॉग न्यूक्लियोफाइल तो अगर हम इसमें दूसरा मोल डाल दें आर, सी का तो क्या होगा उसी टाइप से देखो आर के ऊपर तो दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा देखो सी एल तो एक और आर लग गया देखो हमारा जाके फिर हम अब हमारा फाइनल प्रोडक्ट फिर बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड तो क्या करें हाइडिस कर दो एस्टर ग्रुप है में कन्वर्ट हो जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर देखो और एक कार्बन के ऊपर एक से ज्यादा सी एच हो तो आप क्या करते हैं सिंपली हीट करेंगे तो क्या लॉस हो सीओ टू क्योंकि एक कार्बोक्सिलिक एसिड दूसरे के लिए किस चीज का काम कर रहा है माइनस आई इफेक्ट का, का काम कर रहा है इंडक्टिव इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होगा जिसकी वजह से हमें जो आमतौर पे हम क्या करते हैं अगर नहीं तो हम सी एच ग्रुप को अगर निकालना चाहें लॉस करवाना चाहते हैं कार्बोक्सिलेशन करवाते तो हमें क्या डालना पड़ता था एनए एच ओब्लिक में सी एन एच ओब्लिक में हम क्या डालते थे सीएओ डालते थे जैसे मान लीजिए कोई आपको कह दे एसिटिक एसिड को मिथेन में कन्वर्ट करें तो आप क्या करते आप एन एचलिक में सीओ डालते यहां पे जरूरत क्यों नहीं पड़ी वो इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि यहाँ पे एक ही कार्बन के ऊपर दो दो सी एच ग्रुप लगे हुए हैं तो एक सी एच दूसरे के लिए इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर का, का काम कर रहा है तो इजिली सीओ टू गैस लॉस हो जाती है इस चीज के देखो आपको एक एग्जाम्पल मैं वैसे बता दूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इस इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर के बेसिस के ऊपर हम आपको बताए मान लीजिए आपके पास देखो एक कंपाउंड होता कोई पीरियड इन देखो वैसे बता रहे हैं आपको तो इसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर होता है अगर हम यहाँ पे लगा दें सीएच ग्रुप देखो ऐसे सीएच ग्रुप तो क्या होता है अगर हम इसको सिंपली हीट कर देंगे ना जैसे अभी हम बता रहे थे तो यहाँ पे देखो ये नाइट्रोजन है ना इसका भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर हो गया कैसा नेचर हो गया इलेक्ट्रॉन विड्राइंग जिसकी वजह से हीट करने से ही सीओ गैस लॉस हो जाती है यहाँ पे हीट करने से बोलो क्या हो जाती है सीओ गैस लॉस और देखो सिंपल आपका पीरियडिंग बन जाता है देखो इस स्टेप से हम ये बता रहे हैं कि देखो एक ही कार्बन है देखो एक कार्बन था ये कार्बन इसी कार्बन की है और इसी कार्बन से एन अटैच है जो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर था ऐसे यहाँ पे एक ही कार्बन है एक सीएच है तो दूसरा जो सूएच है वो इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है उसका बोलो कैसा नेचर है उसका इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है तो जिसकी वजह से इजिली सीओ गैस लॉस

OH जो ग्रुप है उसके अंदर से सीओ टू गैस लॉस हो, हो जाती है डी रिएक्शन हो जाती है तो देखो अब हमने ये हीट किया सिंपली और आपके ये डाई एलकाइल कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे बन गए क्योंकि दो दो तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है एग्जाम में हमसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाए ये कहें कि मोनो एलकाइल कार्बोक्सिलिक एसिड बनाए आर की जो वैल्यू पुट करनी हो तो आप बीच में ही इंटरमीडिएटेट स्टेज, स्टेज से आप उधर टर्न कर सकते तो दोनों तरीके से हमने मोनो एलकाइल कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको प्रिपेयर करके दिखाए और डाई एलकाइल कार्बोक्सिलिक एसिड भी आपको प्रिपेयर करके दिखाए और जो न्यूक्लियोफाइल है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो कार्बन है वो किसके ऊपर करे अटैक वो आर सी एल के ऊपर हमने अटैक करके दिखाया देखो एक चीज और हम आपको बता दें कि वो तो डिपेंड करता है ना मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन कैसे आता है कि मान लीजिए आपके यहाँ पे आर सी एल जो मैंने दिखाया था यहाँ पे अगर हम आर सीओ सी एल दिखा देते तो देखो आप क्या करते हैं ऐसे RCO, के साथ करें रिएक्शन प्रोडक्ट ऐसा बनवाते तो आप क्या करते जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है आपका तो आप बनाते किसके ऊपर दिखा देते कार्बन के ऊपर क्या लॉस हो जाता आपका ये सीएल निकल जाता तो जहां पे जो आर देखो ये हमने जो आर लिया था जरूरी नहीं है कि हम आर सी एल ले आप

यानी आपको क्या अटैच करना है तो उसके बेसिस के ऊपर आप इनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं तो इस तरह से आपके डिफरेंट कंपाउंड प्रिपेयर किए जा सकते मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस क्लियर हो गया बिल्कुल इसी टाइप का है हमारा अगला जिसको कहते हैं एसिटो एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस क्या होगी बोलो हमारी नेक्स्ट एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस होगी हमारी नेक्स्ट तो अब एसिटो एसिटिक एस्टर जो है वो होते क्या है उनकी स्ट्रक्चर कैसी है वो आपको बताया जा चुका है देखो पहले ही तो जो डेफिनेशन थी जैसे इसका मतलब ये नहीं है कि एसिटो एसिटिक एस्टर को हम सिंथेसाइज करें इसी टाइप से ये एक ऐसी सिंथेसिस है जिसमें एसिटो एसिटिक एस्टर आपका रिएक्टेंट होगा और उसको यूज करते हो डिफरेंट आपके प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसको कहेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर सिंथेसिस मींस एसिटो एसिटिक एस्टर की हेल्प से डिफरेंट कंपाउंड को सिंथेसाइज करना है हमें तो उसी को कहेंगे एसिटो एसिटिक एस्टर, सिंथेसि, like, एस्टर सिंथेसिस लाइक मेलोनिक एस्टर सिंथेसिस बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी आपकी जैसे आपने इधर देखा विद स्लाइट चेंज जरूर होगा यहाँ पे वो किस वजह से होगा अभी आप देख पाएंगे देखो हमने सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाई है बोलो किस चीज की स्ट्रक्चर है ये एसिटो एसिटो क्यों कहा क्योंकि इसके अंदर देखो एसिटो ग्रुप लगा हुआ है देखो ये सी ओ आर सी ओ आर इज द एसिटो ग्रुप देखो एसिटो ग्रुप होता है यहाँ पे ठीक हो गया सी ओ आर इज द एसिटो ग्रुप उसके बाद एसिटिक ये अगर ये सी ओ सी ओ आर ना हो कि यहाँ पे एच होता यहाँ पे एच होता तो ये कौन बन जाता सी एच थ्री हो जाता देखो दो एच तो है सी आगे सी होता

वाला जो ग्रुप है उसके जो एच है जो मोर एसिडिक आपके एच है देखो इलेक्ट्रॉन दिए गए दोनों इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो गए बोलो इस कार्बन की तरफ तो बोलो क्या जनरेट हो गया आपके कार्ब एनाइन बन गया बोलो क्या बन गया इसी टाइप से बोलो ये कार्ब एनाइन दोनों इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के बाद जो कार्बे ना किस चीज का, का काम करेगा जैसे मेलोनी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो फाइल का काम करेगा बोलो का का किस चीज का स्ट्रॉग न्यूक्लियो का तो उसी टाइप से आर के ऊपर क्या होगा स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और सी के ऊपर क्या होगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज तो ये कार्बन एन किस पे अटैक करेगा पॉजिटिव के ऊपर आर के ऊपर दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले गया सीएल तो सी के ऊपर क्या लग गया आपके आर ग्रुप लग गया इस टैप से अब यहाँ पे देखो एक अलग चीज आपको दिख रही है मेलोनिक एस्टर में तो क्या था सेम कार्बन के ऊपर दोनों कौन थे आपके एस्टर ग्रुप थे देखो वहां पे आप ध्यान से देख पा रहे हैं सीओओ आर ग्रुप यहाँ पे ऐसा नहीं है यहाँ पे आपके जो एक्टिविथैलिन ग्रुप है उसके ऊपर एक के ऊपर तो देखो सीओओ आर ग्रुप लगे हुए हैं जो इज़िली हाइड्रोलाइजेबल ग्रुप होते हैं जिनको आराम से हाइड्रोलाइज किया जा सकता है जैसे अभी हम डाल के आपको बताएंगे अगर डायल्यूट एनएच डाल दे तो सिर्फ सीओओ आर की हर्डोलाइसिस होगी सी ओ आर यहाँ पे इस बॉन्ड की क्लीवेज नहीं होगी देखो हमने क्या किया अगर हम डाल दे डाइल्यूट एन एच डायल्यूट एन एच डालने से बोलो क्या हुआ जो सी ओ ओ आर ग्रुप है इसकी क्या हो गई बोलो हाइड्रोलिस होगी ना हाइड्रोलिस देखो सी ओ आर किस में कन्वर्ट हो गया सी ओ ओ एच के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर सी जो ग्रुप था ये एसिटो तो ग्रुप था इसलिए मैंने अनफेक्टेड रहा अब हम सी ओ आर जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है देखो इसका तो बोलो नेचर कैसा है इसका इलेक्ट्रॉन सी डबल बोर्ड ओ आर है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग नेचर है अभी मैंने बताया था कि एक ही कार्बन के ऊपर अगर सीओ एच ग्रुप लगा हुआ है और उसी के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे यहाँ पे सी ओ आर था वहां पे बोलो कौन था सी ओ एच तो अगर हम इसको हीट कर देंगे तो बोलो क्या हो जाएगा हीट करने से सीओ टू गैस लॉस हो जाएगी देखो CO2 गैस लॉस होगी देखो यहाँ से ये CO2 गैस निकल गई देखो यहाँ से इसके अंदर से

क्लियर हो गया बोलो कीटोनिक हाइड्रोलिस क्यों कह रहे हैं बिकॉज द कीटोन्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग दैट हाइड्रोलिस यूजिंग द डायल्यूट एन बना क्या उसके बेसिस के ऊपर ही इस हाइड्रोलिस का नाम रख दिया गया है अब हम देखते हैं दूसरे अगर कंसंट्रेटेड एनएच डालें तो क्या होगा देखो हमने कंसंट्रेटेड एनएच डाला कंसंट्रेटेड एनएच क्या करेगा जो डाइल्यूट ने किया वो तो काम हो ही जाएगा वही क्या मतलब सीओ आर जो ग्रुप है सीओ तो तो आर इसका भी यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा देखो इस टाइप से इसका क्लीवेज होगा देखो यहाँ से ऐसे हैं वाटर तो देखो हम डालते ही है साथ के साथ तो हेडिस करेंगे तो क्या होगा देखो हमने इस बोर्ड का भी क्लीवेज कर दिया यहाँ से हो गया ना यहाँ से देखो क्लीवेज तो क्लीवेज क्या हुआ देखो जो वाटर डाला तो इधर तो एच एच जुड़ेगा देखो इधर तो एच साइड में तो एच पॉजिटिव वाटर एच पॉजिटिव जुड़ेगा और इधर क्या जुड़ेगा बोलो एच नेगेटिव देखो स्टेप से ठीक हो गया ना तो इसलिए आपके यहाँ पे क्या बन गया बोलो आपके आपके एच जा लगा यहाँ पे क्लियर हो गया आपके

आपने देखा क्या डिफरेंस मिला के के जो 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 बनाते बनाते हैं 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 उसमें और दौरान उसके उसके अंदर अभी तक जैसे हमने वहां पे भी बताया था कि एक्टिव जो ग्रुप है दो-दो आपके जो आपके हाइड्रोजन लगे अभी तक हमने एक ही एच को हटाया था बेस डाल के अभी एक एच और बचा हुआ है देखो ये यहां पे अगर हम फर्दर हाइड्रोलिस उनकी ना करके ना डालते अभी ना डालते अभी जो एक और लगा हुआ है एसिडिक हाइड्रोजन हम फिर से से बेस का अटैक करवाते देखो इस से। तो क्या होता दोबारा से देखो कार्बन जनरेट हो जाता जो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, का काम करता अब इसमें फिर डाल सकते हैं आपका जो भी आपके रिएक्शन आपको करवानी आर सी एल डाले या आर सीओ सी एल डाले जो भी रिएजेंट आप डालना चाहते हैं मान लीजिए आर सी एल डाला तो उसी टाइप से आर सी एल के अंदर बोलो क्या होगा आर के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज और सीएल के ऊपर क्या होगा बोलो स्लाइट नेगेटिव चार्ज उसी टाइप से तो किसके ऊपर अटैक करेगा आर के ऊपर क्या निकल जाएगा सी एल नेगेटिव तो एक आर देखो और लग गया अब इसके अंदर फिर से वही दो बातें हो जाएंगी कि हम डायल्यूट एनुएच डालें या कंसनट्रेटेड एनुएच डालें अगर डायल्यूट एनुएच डालते हैं तो क्या होगा सिर्फ जो एस्टेरिक ग्रुप है देखो एस सी आर ग्रुप इसकी हाइड्रोलेसिस ही होगी बस इसकी कर दी हमने सी एच बन गया अब इसके बाद अगर हम हीट करें तो क्या होगा जो सीओ एच ग्रुप है इसके ऊपर ये उस कार्बन से अटैच है जिसके ऊपर सी आर ग्रुप भी है मीन्स वो कार्बन जिसपे सी एच है उसी कार्बन के ऊपर बोलो कौन है सीओ आर इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप तो इसलिए इसके, इसके, इसके अंदर से सिंपली अगर आप हीट कर देंगे तो सीओ गैस देखो लॉस हो जाएगी यहाँ से तो क्या बन गया आपके किटोन बने तो इसलिए ये जो की आपने के साथ यहाँ पे तो बोलो फाइनल प्रोडक्ट आपके बने इसलिए इसको बोलो कौन से कहेंगे अगर आप कंसेंट्रटेड एनएच डाल दे तो क्या होगा जो डायल्यूट के साथ हुआ वो तो होगा ही मीन्स सीओओ आर ग्रुप तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा बोलो सीओ एच में लेकिन साथ के साथ सी और जो सीओ आर ग्रुप है ये जो बॉन्ड है इसका भी क्लीवेज हो जाएगा देखो इस टाइप से तो क्या बने हमारे हमारे फाइनल प्रोडक्ट एसिड बने तो इसलिए इनको क्या कहेंगे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस क्या कहेंगे बोलो आप इसे एसिडिक हाइड्रोलाइसिस तो इस टाइप से आपने देखा कि डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट आप प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके जो बीच में जब आप रिएक्टेंट करवा रहे हैं जो न्यूक्लियोफाइल आपके स्ट्रॉन्बन बनता है उसका अटैक भी ले सकते हैं आर, सी सी भी ले सकते हैं देखो जैसे हमने यहां पे आपको लेके दिखाया था एंड सोन so जैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अकॉर्डिंगली आप डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सिंथिसाइज कर सकते हैं अब हम लास्ट में एक रिएक्शन देखेंगे यहाँ पे क्लेजन कंडेंसेशन उसके दौरान हम एसिटो एसिटिक एस्टर को सिंथेसाइज करके देखेंगे तो ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसके दौरान हम एसीटो एसिटिक एस्टर को बनाते हैं बाय यूजिंग द 2 मोल ऑफ इथाइल एसीटेट देखो हमने एक मोल ले लिया इथाइल एसिटेट देखो ये तो एसिटिक एसिड एसीट था CH3COO R होता जो R था उसकी जगह COOH होता तो एसिटिक एसिड एसीट होता देखो CH3COOH अब जो H था उसकी जगह हमने R वैल्यू क्या रख दी क्योंकि इथाइल लगा रखा है देखो इथाइल तो इसलिए इथाइल लिख दिया CH3Y ये बन गया इथाइल एसीटेट इथाइल एसिटेट या नेम बोलेंगे तो इथाइल और दो कार्बन है ये दो कार्बन तो क्या कहेंट इथाइल इथेनोइट कह दें या इथाइल एसिटेट कह दें तो इथाइल एसिटेट के दो मोल यूज करेंगे और हम बना देंगे क्या एसिटो एसिटिक एस्टर की प्रिपरेशन हम करके देखेंगे तो देखो इसके अंदर भी देखो कार्बोनिल ग्रुप से जो अगला कार्बन है ये कौन सा होता है बोलो ये आपका एल्फा कार्बन होता है और उसके ऊपर एच भी है तो उसी टाइप से हमने देखो बेस डाला आपके दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ चले जाएंगे कार्बनइन जनरेट हो जाएगा बन गया ना कार्बन अब हम इसमें क्या डालेंगे बोलो दूसरा मोल डालेंगे इथाइल एसिडेट का देखो दूसरा मोल मैंने लिखा अब इथल एसिडेट का बोलो कौन सा मोल लिखेंगे हम सेकंड मोल लिखेंगे इथाइल एसीटेट का ठीक है ना अब जो दूसरा मोल लिया इथाइल एसिडेट का इसके अंदर क्या है इसके अंदर जो कार्बन है बोलो इसके ऊपर कैसा चार्ज था बोलो इसके ऊपर है स्लाइट पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर बोलो क्या है? स्लाइट नेगेटिव चार्ज लेकिन अब साथ के साथ क्या होगा जब ये कार्बन आइन जो बना जो स्ट्रॉग न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन पे अटैक किया तो ओसी टू एच वाइव लॉस हो जाएगा पहले तो पाई बॉन्ड ही टूटेंगे पहले तो देखो ऐसे पाई बॉन्ड जाएंगे देखो ऐसे ब्रेक 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 करते हैं लेकिन जिस रास्ते गई ये उसी रस्ते वापस भी आ जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में और लास्ट में निकलना होगा यहाँ से ओसी टू एच वाई देखो ये ओ सी टू एच वाइव निकलेगा यहाँ से तो हम डायरेक्ट ही इसको दिखा देते हैं देखो दोनों इलेक्ट्रॉनो सी टूच फाइव की तरफ चले गए तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया देखो देखो ये आपका जो सी एस टू था यहाँ पे देखो ये सी एस टू ये ये रहा देखो सी एस टू देखो ये वाला देखो ये सी एस टू इससे कौन अटैच था ये अटैच था सीओ सी एच फाइव देखो ये रहा सी एच फाइव हो गया अब इस कार्बन ने नया बॉन्ड किसके साथ बनाया देखो ये हमने दो डॉट से दिखा दिया नया बॉन्ड दो डॉट से देखो नेगेटिव चार्ज डोनेशन का नया बॉन्ड बनना किसके साथ बनाया बोलो यही साथ तो देखो यहाँ से निकल गया आपका

पूछा जाता है तो ये आपने देखे के पीछे के कार्बोक्सिलिक एसिड आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड आप डिफरेंट टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं अलग अलग टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं मेलोनिक एस्ट्रोसिंथेसिस के अंदर भी और एसिटो एसिटिक एस्ट्रोसिंथेसिस के दौरान भी आप डिफरेंट टाइप के प्रिपेयर कर सकते हैं सो थैंक यू